स्वरूप को विचार करने जा रहे हैं कि जो हमारा मिथ्यात्व तो साधक अनुमान दृश्यत्व जड़त्व पर छिन्नत्वादी है, यहाँ पर उपाधि की परिकल्पना किया है आचार्य प्रतिवादी ने, उसके निराश के पहले हम उपाधि को जान लेते हैं कि उपाधि क्या चीज है। उपाधि पहले ही बताया था, साध्य व्यापकत्व से साधना व्यापक साचा अन्वय व्यतिरेकी कश्चित धर्म विशेष उपाधि, ये आपने चित्तुकी में पढ़ा था। जो साध्य का व्यापक हो करके और साधन का व्यापक, ऐसा कोई अन्वय व्यतिरेकी धर्म विशेष है जिसको हम उपाधि कहते हैं। वो उपाधि एक हेतु का दोष है। वो उपाधि धर्म जहां पर रहेगा तो बंद कर दो ऐसा जी हाँ ऐसा उपाधि धर्म जहां पर रहेगा उस उपाधि धर्म से युक्त जो हेतु है वो अपने साध्य का साधक नहीं होता है। ऐसा अतः उस हेतु को हम व्याप्यत्व सिद्ध कहते हैं। व्याप्यत्व सिद्ध का तात्पर्य है कि जिस हेतु की व्याप्यत्व माने व्याप्ति विशिष्टत्व तो ही नहीं सिद्ध हो रहा है। व्याप्यत्व माने व्याप्ति, व्याप्य माने व्याप्ति विशिष्ट, व्याप्यत्व माने व्याप्ति। जिस हेतु की व्याप्ति ही नहीं सिद्ध हो रही है वो है व्याप्यत्व सिद्ध। तो व्याप्ति सिद्धि में प्रतिबंधक क्या है, उसमें उपाधि है। उपाधि के कारण वो हेतु अपनी व्याप्ति, वो व्याप्ति मत ही नहीं है, उसकी व्याप्ति असिद्ध है, ऐसा व्याप्यत्व सिद्ध हेतु। वो क्या है उपाधि, तो साध्य व्यापकत्व सति साधना व्यापकत्व धर्म विशेष। जो साध्य की व्यापक हो और साधन की अव्यापक हो वो उपाधि होती है। परंतु यहाँ पर ध्येय है, आप लोग ये समझे रहिएगा कि केवल इतना ही उपाधि का अंश नहीं है, केवल साध्य व्यापकत्व सति साधना व्यापकत्व ही केवल हम यदि उपाधि को मानेंगे तो पक्षेतरत्व, पक्ष भिन्नत्व, पक्ष अन्यत्रत्व कुछ भी कहें आप, पक्षेतरत्व भी कह सकते हैं, पक्ष भिन्नत्व भी कह सकते हैं, यह उपाधि सर्वत्र सद अनुमानों में भी हो जाएगी। क्यों, सद अनुमान आपका प्रसिद्ध अनुमान है, पर्वतो भन्निमान धूमात। यहाँ पर यदि हम केवल इतना ही उपाधि का अंश रखेंगे, साध्य व्यापकत्व सति साधना व्यापकत्व, तो यहाँ पर पक्षेतरत्व या पक्ष भिन्नत्व जो है उपाधि हो जाएगी। कैसे, पक्ष पर्वत तद पक्ष भिन्नत्व कहें या पक्षेतरत्व कहें, ये दोनों आपका पक्ष से इतर जो सपक्ष है महानस, उसमें पक्ष भिन्नत्व माने पक्ष प्रतियोगी भेद है, पक्षेतरत्व। अतः वहां पर क्योंकि पहले ही उपाधि का उपाधि पर विचार एक बार करते हुए आपको हम बता चुके हैं, इतना ध्यान रखना होगा कि साध्य व्यापकता उपाधि की सपक्ष में ही गृहित होती है। क्यों, पक्ष में तो साध्य अभी संदिग्ध है, तो साध्य जहां पर है ही संदिग्ध है, साध्य का निश्चय ही नहीं है जिस स्थल में, वहां पर साध्य व्यापकता यत्र साध्यम तत तत्र उपाधि, ये साध्य व्यापकता गृहित नहीं है। अतः साध्य व्यापकता उपाधि की सपक्ष स्थल में ही गृहित होती है। तो सपक्ष आपका जो महानस है वहां पर बंधी रूप साध्य भी है और पक्षेतरत्व पक्ष भेद पक्ष प्रतियोगिक भेद भी है, अतः साध्य व्यापक होगी। और पक्षभूत पर्वत में धूम का निश्चय है, धूम संदिग्ध नहीं, धूम तो प्रत्यक्ष गोचर है, अतः साध्य पर्वत में निश्चित है और वहां पर
स्व में स्व का भेद नहीं रहता है, तो पक्ष में पक्षेतरत्व या पक्ष भिन्नत्व नहीं रहेगा, तो साध्य का व्यापक और साधन का अव्यापक उपाधि पक्षेतरत्व है। अतः पक्षेतरत्व को हम यदि उपाधि मानेंगे तो किसी भी अनुमान का उदय ही नहीं होगा, क्योंकि वो तो सर्वत्र संभव है, इसलिए पक्षेतरत्व को उपाधि नहीं माना जाता। अतः पक्षेतरत्व को उपाधि जिस प्रकार से नहीं माना जाता, उसी प्रकार से पक्षेतरत्व के सम यदि कोई होगी उसको भी हम उपाधि नहीं मानते हैं, और उपाधि का कोई न कोई संबंध विशेष भी माना जाता है हेतु के साथ, वो है स्वाभावद वृत्तित्व। ऐसा कुछ नैयायिकों ने स्वाभावद वृत्तित्व को वृत्ति नियामक संबंध भी माना है, क्योंकि व्याप्यत्वा सिद्ध हेतु माने उपाधिमान हेतु ऐसा व्यवहार होता है, तो वो इसका भी समन्वय आप कह सकते हैं। स्व उपाधि तस्य भावः यत्र कुत्र, जहां कहीं पर भी हम जो प्रकट उपाधि है, सर्वसिद्ध उपाधि है, उस उपाधि को हम लेते हैं। पर्वतो धूमवान बन्हे में आर्देन्धन संयोग उपाधि है। अब इस उपाधि में देखिए साध्य व्यापकता है, जहां जहां साध्य धूम रूप साध्य है वहां वहां आर्देन्धन बन्ही संयोग है, अतः साध्य की व्यापक हो गई। परंतु साधन अयोगोलक में भी है, उस अयोगोलक में साधन बन्ही के रहने पर भी आर्देन्धन बन्ही संयोग नहीं है, आर्देन्धन के साथ बन्ही का संयोग नहीं, इसलिए साधन की व्यापक। यहाँ पर हम इस उपाधि का समन्वय जब करते हैं स्वभावद वृत्तित्व, स्व से उपाधि लेंगे, उसका अभाव अयोगोलक में, उस अयोगोलक में स्वमान उपाधि अभावाधिकरण वृत्तित्व आपका बन्ही में है, वही बन्ही का और उपाधि के साथ आर्देन्धन संयोग रूप उपाधि के साथ संबंध माना जाता है। लिख लेंगे लोग विद्यार्थी लोग, स्वाभावद वृत्तित्व, ये जो स्वपद से हम उपाधि को लेंगे, उस उपाधि का संबंध ले जाना है हेतु के साथ, तो उस हेतु में स्वाभावद वृत्तित्व यह उपाधि का संबंध है, क्योंकि स्व से उपाधि लिया, उसका अभावाधिकरण अयोगोलक हो गया, उस अयोगोलक में वृत्तिता हेतु की है, अतः स्वाभावद वृत्तित्व यही संबंध जो है उपाधि का हेतु के साथ रह गया। उसी प्रकार से हम यदि पक्षेतरत्व को भी लेना चाहें तो पक्षेतरत्व भी उपाधि घट जाएगी, क्यों, स्व से लिया पक्षेतरत्व माने पक्ष भेद, वो पक्ष भेद के अभाव का अधिकरण पक्ष, पक्ष भेद का अभाव पक्ष में है, और उसका अधिकरण जो पक्ष पक्ष हुआ, उस पक्ष में वृत्तिता आपके बन्ही की पक्षेतरत्व जो है वो पक्षेतरत्व का अभाव पक्ष में हो गया, और उसमें क्योंकि बन्ही रूप में तो नहीं घटता है, परंतु अन्य जगह जहां पर अभी आप समन्वय करने जाएंगे, अन्य जो हेतु है वो हेतु पक्ष में समन्वित होते हैं, तो जो हमारा प्रसिद्ध उपाधि है वो प्रसिद्ध उपाधि साध्याभाव वृत्तित्व, जो जो प्रसिद्ध उपाधि है
साध व्यापकत्व से साधना व्यापकत्व जो आर्देन बन संयोग रूप व्याप्ति उस व्याप्ति उस उपाधि का समन्वय पक्ष में नहीं होता है, क्योंकि पक्ष में बन्ही संदिग्ध है। अतः स्वभावद वृत्तित्व यह जो बन्ही में उपाधि का स्वभावद वृत्तित्व जो गृहित होगा वो किसी अन्यत्र ही सिद्ध होगा जहां पर बन्ही की सिद्धि मानी जाती है अयोगोलक में, पर्वत में नहीं। अन्य जो भी उपाधि हैं, अभी जो उपाधि आप बताने जाएंगे पढ़ने जाएंगे, ये उपाधियां तो साधन व्यापक पक्ष देश में होती है। जो प्रसिद्ध उपाधि है आर्देन बन्ही संयोग रूप उपाधि, उस उपाधि का साधन व्यापकत्व पक्ष में गृहित नहीं होता, क्योंकि वहां पर साधन भी अभी सिद्ध नहीं है, साधन सिद्ध नहीं है वो। और तो साधन अव्यापकत्व जो है उपाधि में, क्योंकि साधन बन्ही रूप जो साधन है आर्देन संयोग में, जो बन्ही रूप साधन है वो साधन बन्ही रूप साधन का पक्ष में, पर तो धूमवान बंधे इस पक्ष में बन्ही रूप साधन की सिद्धि नहीं है। अतः जहां कहीं पर सिद्धि हो, इसलिए ये नियम नहीं है कि कहीं केवल पक्ष में ही साधन व्यापकता पक्ष में ही व्याप्ति की गृहित होगी, ना अयम नियम विशेष है, ये कोई नियत्य नहीं है। जहां कहीं पर भी साधन का निश्चय हो और उपाधि का अभाव सिद्ध हो वहां पर साधन व्यापकता गृहित कर लेते हैं। अतः ये जो आपका पक्षेतरत्व है, ये पक्षेतरत्व तो ये आपका सद अनुमान की उपाधि है, यह उपाधि का स्वभाव वृत्तित्व जो साधन के साथ अव्यापकत्व है पक्ष में गृहित हो जाए, अन्यत्र कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि पक्ष में और अपितु पक्षेतरत्व जो उपाधि है ये पक्षेतरत्व उपाधि की साधन अव्यापकता केवल पक्ष मात्र में गृहित होती है, अन्यत्र नहीं गृहित हो सकती। क्यों? अन्यत्र सर्वत्र तो पक्षेतरत्व ही बैठा हुआ पक्ष से दिन, अतः पक्ष देश में ही ये पक्षेतरत्व उपाधि का साधन अव्यापकता गृहित होती है। इसलिए इस उपाधि का सबसे बड़ा दोष है कि केवल पक्ष इतरत्व का ही बोधन होता है, माने पक्ष मात्र व्यावर्तकता इस उपाधि में रहती है, केवल पक्ष व्यावृत्ति केवल करने का ही इसका लक्ष्य होता है, अन्य कोई लक्ष्य नहीं होता, अतः यह उपाधि नहीं मानी जाती। अतः इस प्रकार की यदि कोई उपाधि होगी जिस उपाधि से केवल पक्ष व्यावृत्ति मात्र फल प्राप्त होता होगा, उसको हम उपाधि नहीं मान सकते हैं। अतः केवल साध व्यापकत्वे सति साधन व्यापकत्वे उपाधि मानेंगे तो पक्षेतरत्व भी उपाधि होगी, अतः पक्षेतरत्व को उपाधि अतः नहीं माना जाता। अतः साधन व्यापकत्व साध व्यापकत्व सति साधन व्यापकत्व मात्र को उपाधि हम नहीं मान सकते हैं, अपितु साध व्यापक हो करके और साध व्याप्य भी उपाधि को होना चाहिए। तो यत्र यत्र साध्यम तत्र तत्र उपाधि, यत्र यत्र साध्यम नास्ति तत्र तत्र उपाधि नास्ति। वीडियो रुक गया। हेलो हेलो, आवाज रुक गई है। हेलो आवाज हेलो हेलो आवाज नहीं आ रही। हेलो आ गई आवाज, नहीं बता।
हाँ अब आई, हाँ बोलिए, हेलो, हाँ आ रही है, थोड़ी आवाज अभी आ रही है गुरुजी। अच्छा चलिए चलिए, तो इसलिए केवल साध्य व्यापकत्व सति साधना व्यापकत्व को उपाधि हम नहीं मान सकते हैं, अपितु उपाधि में साध्य व्यापकता के साथ साथ साध्य व्याप्यता भी होनी चाहिए। जहां जहां साध्य है वहां वहां उपाधि है, और जहां जहां साध्य नहीं है वहां वहां उपाधि नहीं है। समव्याप्तिक होना चाहिए, जिस प्रकार से प्रमेयत्व और अविधेयत्व, प्रमेयत्व अविधेयत्व जो ये दोनों धर्म है केवलान्वयी धर्म, उनमें जिस प्रकार से व्याप्यता भी रहती है व्यापकता भी रहती है, उसी प्रकार से साध्य की व्यापकता भी उसमें उपाधि में होने चाहिए, साध्य साधन की और साध्य की व्यापकता भी होनी चाहिए। उपाधि नहीं होगा अभी आज बहुत कितना लोग आए हाँ चलिए, तो बहुत कुछ बैठे ही हैं, तो जो चार छह पांच सात, अच्छा वो श्रुति नहीं है क्या? चल इसलिए हमको उपाधि है जो साध्य की व्यापक हो और साध्य की भी हो, अन्यथा केवल साध्य की ही व्याप्य भी उपाधि लेंगे तो पक्षेत्रत्व उपाधि हो सकती है, जो सर्वत्र संभव है, सदनुमान में भी संभव है, परंतु वो पक्षेत्रत्व साध्य का भी तो व्यापक है परंतु साध्य का व्याप्य नहीं है। यत्र यत्र पक्षेत्रत्व, तो साध्य आपका महानस में है वहां पर पक्षेतरत्व है, परंतु जहां जहां पक्षेतरत्व है वहां वहां सर्वत्र साध्य हो, ऐसा आप नहीं कह सकते हैं, क्योंकि जलहद आदि में भी क्षेत्रत्व है परंतु वहां पर साध्य नहीं। अतः पक्षेतरत्व साध्य का व्यापक होते हुए भी साधन का साध्य का व्याप्य नहीं, परंतु साध्य का भी होना चाहिए और साध्य का व्याप्य भी होना चाहिए, अर्थात साध्याभाव में वृत्तिता नहीं होनी चाहिए। और पक्षेत्रत्व जो साध्याव का बनी उसका अभाव जलहदादि में, उस अभावाधिकरण जलहदादि में आपका पक्षेतरत्व है और साध्य नहीं है। अतः यत्र साध्यम नास्ति तत्र पक्षेतरत्वम नास्ति, यह व्यतिरेक है, गृहित नहीं होता। इस प्रकार से आप उपाधि को के स्वरूप से समझे रहे कि यहाँ पर चल करके उन्होंने कहा समव्याप्यत्व, समव्याप्तम, समव्याप्ति है ये, क्यों समव्याप्ति कहना चाह रहे हैं इस को आपको समझना परम आवश्यक है कि समव्याप्त यदि कश्य धर्म विशेष नहीं है वो उपाधि नहीं हो सकता, क्योंकि यदि केवल साध्य व्यापक साधन व्यक्त को ही केवल उपाधि स्वतः कोई नहीं है, ननु दृश्यत्वाद हेतवा सोपाधिका। पूर्व पक्षी भवद्भि प्रतिपादिता मिथ्यात्व साधकत्वेन ए प्रतिपादिताः हेतवः दृश्यत्वादयः हेतवः
सोपाधि उपाधिना सहिता सोपाधिका तत्र कश्चित् उपाधि विशेषति कृत्वा ते हेतवः सोपाधिकत्वेन व्याप्यत्वा सिद्धाः अतः ते न उपाभासाः इति। इसमें पूर्व पक्षी है कि दृश्यत्वादि जो हेतु हैं वो सोपाधिक है, उसोपाधिक का तात्पर्य है उपाधि के सहित है, उपाधि के सहित जो हेतु होता है वो व्याप्यत्व सिद्ध हेत्वाभास होता है, हेतु नहीं होता, अतः स्वसाध्य के साधन में समर्थ नहीं होता है क्योंकि उसमें दोष है, हेत्वाभास रूप है वो हेतु रूप नहीं है। अब आप उपाधि को समझिए, उपाधि वो कौन सी उपाधि देना चाहिए, उपाधि एक उपाधि पहले समझ स्वाबाधकाभिमता बाध दोष प्रयुक्त भानक प्रथम उपाधि। दूसरी उपाधि है स्वाबाधक बाध बाधकम प्रति निषेधत्वेन विपक्ष विपक्ष, दो उपाधियों का उसने उपस्थापन किया। पहला उपाधि स्व, स्व से हमको उसी को लेना है जो समन्वित हो, स्वपद से हमको सपक्ष को लेना है, उस सपक्ष में कोई साध्य का व्यापक धर्म विशेष उपाधि को कहना है। पक्ष सपक्ष में जो साध्य है वो साध्य ईश्वर 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 सो गए का नहीं नहीं गुरुजी को आवाज आवाज बंद थी ना इसलिए आवाज बंद थी, कब तक बंद थी तो बोले काहे नहीं, नहीं नहीं मेरी आवाज बंद थी। हाँ नहीं तो ये सो न जाना है, सुन रहे सुन उपाधि विशेष रहे हैं हम लोग, वैसे तो पढ़े हो तुम लोग। और अनिल नहीं आए, वो नहीं है, दिख नहीं रहे। अच्छा चलिए उपाधि आप देखिए, उपाधि को आपने समझ लिया है क्योंकि साध्य व्यापक साधना व्यापक मात्र नहीं है उपाधि, अपितु उपाधि को साध्य का व्याप्त भी होना चाहिए क्योंकि इतना केवल उपाधि का हम आवाज नहीं आ रही, रुक गया। हेलो हेलो नेटवर्क बाधा है। अच्छा अच्छा आवाज आ रही है ना, जहाँ पर ना आवे तो ऐसा ना हो कि हम लाया कहीं पर, क्योंकि क्या आ रही है गुरुजी आवाज कट रही है गुरुजी, बीच बीच आवाज बहुत सही नहीं है, आवाज डिस्टरबेंस है, डिस्टर्ब बिजली आती है तो यहाँ पर जो दो इंटरनेट उसको जो है बदलना पड़ता है ना। तो चलिए उपाधि का आपने धर्म समझ लिया है, अब उपाधि यहाँ पर समझिए कि उपाधि क्या है। उपाधि हमको सपक्ष में उपाधि रूप धर्म विशेष का समन्वय करना है, जो धर्म विशेष सपक्ष में रहने वाला कोई धर्म विशेष जो साध्य का व्यापक हो सके और साधन का वह व्यापक हो, तो स्वपद से हमको दृष्टान्त भूत को लेना है। स्व बाधक स्वपद से बाध्य हमको लेना है, स्वपद से हमको मिथ्या को लेना है, मिथ्या को साध्य ठीक है ना, स्वपद से मिथ्या भूत पदार्थ लेना है जिसे मिथ्या तो है, तो मिथ्या तो आपका सिद्ध है सपक्ष भूत सुक्ति रजत में, वो सुक्ति रजत का बाधकत्वेन जो अभिमत
तो तीन रजत का देखिए दो प्रकार से बाध कहे जाते हैं, एक नेदम रजतम और एक इयम सुक्ति। ठीक है, तो इयम सुक्ति जो है यही प्रकार ज्ञान हो जाएगा तो तत्व प्रकार ज्ञान बाधित हो जाएगा। हाँ जवाब रुक रही है गुरु जी, सुक्ति यही बाद आवाज आवाज ठीक नहीं आ रही गुरु जी, आवाज नहीं आ रही है नहीं गुरु जी, स्पष्टता नहीं है गुरु जी, आ रही है फट फट के आ रही है। अच्छा क्या बात है, उपाधि तो उपाधि को जो बताया उसको सब समझ लिया है ना। फिर कट गया उसको समझ लिया, चलिए उपाधि आपको समझना चाहिए। बिजली एक बार जाती जाती है तो एक इंटरनेट करता है, एक दूसरा छोड़ता है, दूसरे का स्वाद का मत बात दोस्त हेलो जी, हेलो आ रही है नहीं गुरु जी, आज आवाज ठीक नहीं आ रही गुरु जी, स्पष्टता नहीं है मतलब समझ में नहीं आ रही है आधी बात। क्या है मोनो सुनो, आगे आवाज कह रहे नहीं आ रही है। हेलो बाद दोष प्रयुक्त भानत्व ये उपाधि है, समझे आ रहा है समझ में जी जी। चलिए दृष्टांत पे ले जाइए है ना, स्वपद से लिया सुक्ति रजत को है, स्वपद से किसको लिया सुक्ति रजत को, उसका बाधक अभिमत, उसका बाधक कौन है इयम सुक्ति, इयम सुक्ति ये बाधक है। नेदम रजतम इदंता से भेद माप का ग्राहक है तो बाधक है इयम सुक्ति। ठीक है, क्योंकि इदम रजत प्रतीति स्थल में जब सुक्तित्व प्रकार ज्ञान हो जाएगा तो रजतत्व प्रकार ज्ञान का बाध हो जाता है। ठीक है ना, तो इसलिए इयम सुक्ति हुआ आपका बाधक है ना, बाधकत्व अभिमत हुआ इयम सुक्ति। हेलो जी 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 जी, आ रही है आ रही है अच्छा चल, तो स्वपद से लिया दृष्टांत इदम रजतम को, उसका बाधक यम सुक्ति, वो बाधक उससे न बाधित होने वाला, उससे न बाधित होने वाला जो दोष क्या है चाक चिक दोष, चाक चिक दोष यम सुक्ति ज्ञान से चाक चिक दोष जो है वो बाधित नहीं होता है, नहीं होता जी, नहीं होता ना जी, जी नहीं नहीं होता है। अच्छा चलिए, तो वो जब चाक चिक दोष आपका नहीं वहाँ पर बाधित होता और तद दोष प्रयुक्त भानत्व,
उस दोष से प्रयुक्त आय भान माने प्रतीति चाग चिक दोष के कारण ही इदम रजतम यह प्रतीति होती है। जी आए वैसे में हो? जी भुवन आ गए सर में? जी गुरुजी जी गुरुजी जी। स्वपद से आप लीजिए सपक्षी भूत इदम रजत को, उसका जो बाधक ज्ञान इयम सुक्ति, इयम सुक्ति को ही बाधक ज्ञान कहिएगा। इदम रजतम जो है वो बाधक ज्ञान नहीं होता है, क्योंकि इदम रजतम तो वो फलीभूत ज्ञान है। फलीभूत ज्ञान है माने इदंता से रजत का भेद प्रतीत होता है। निदम रजतम पहले ही जो मिथ्यात्व अनुमान में ही बताया गया था कि जहाँ समान विभक्तंत पदों के द्वार पदों के साथ नई का अन्वय होता है वहां पर भेद ही प्रतीत होता है। ठीक है, घटो न पट, यहाँ पर घट में पट का भेद ही प्रतीत होगा। उसी प्रकार से नेदम रजतम, यहाँ पर इदंता से रजत का भेद ही प्रतीत होता है, ये बाधक नहीं। रजत का बाध आपको करना होगा तो इयम सुक्ति जब कहेंगे तो जो पूर्ववर्ती पदार्थ है वो पूर्ववर्ती पदार्थ में जब सुक्तित्व प्रकार ज्ञान होगा तो रजतत्व प्रकार ज्ञान का बाध हो जाएगा। अतः इयम रजतम यही बाधक ज्ञान है। ठीक है ना? जी। ठीक है। वो समाने सुक्ति रजत का बाधक जो इयम सुक्ति, उस बाधक से नहिमत जो इयम सुक्ति ये ज्ञान है वो बाधक है, बाधकत्व नहिमत है, उससे न बाधित होने वाला जो दोष, वो कौन सा दोष है? चाकचिक दोष। सुक्ति में इदम में, इदम पदार्थ में जो चाकचिक दोष है वो इयम सुक्ति इस ज्ञान से बाधित नहीं होने वाला। अतः वो स्वबाधक अभिमत अबाध दोष प्रयुक्त चाक चिक प्रयुक्त ही दायतम यह भान है। जी गुरु जी समझ में आ गए। प्रांगेश जी गुरु जी। प्रांगेश जी गुरु जी। हाँ गुरु जी जी बोल रहे। तो देखिए तो इसलिए हाँ स्वाबाध का अभिमत बाध दोष प्रयुक्त भानत जो है आपका सपक्ष में चला गया। जी जी हैं तो सात का ठीक है ना? जी हाँ हेलो जी। अब चलिए आपका जो दृश्यत्व और जड़त्व हेतु है वो पक्ष में भी है। दृश्यत्व और जड़त्व जो हेतु है वो पक्ष में भी है। अब पक्ष में आप देखिए, पक्ष में स्वपद से आप प्रपंच को लेंगे है ना जी। उसका जो बाधक आत्म साक्षात का बाधक अखंडाकार वृत्ति को लें या अखंडाकार वृत्ति के उत्तर काल में जो आप साक्षात्कार है आप साक्षात्कार, तो प्रपंच का बाधक जो आत्म साक्षात्कार है। ठीक है ना? और यहाँ पर दोष क्या है जी? प्रपंचाभ्यास में दोष क्या है? अविद्या। हाँ, अविद्या क्या कह
अविद्या से पित्त दोष यहाँ पर नहीं होता, तो दोष क्या हुआ, अविद्या हुई, ठीक है ना। तो अविद्या दोष प्रयुक्त भानत्व तो है यहाँ पर प्रपंच का, और वो जो अविद्या दोष है वो प्रपंच का जो बाधक आत्म साक्षात्कार है उसे बाधित है कि अबाधित है? बाधित है, बाधित है। सरपंच का जो आत्म साक्षात्कार या खंड उस बाधक बाधित जो है यहाँ ठीक है ना, आवाज ठीक नहीं आ रही गुरु, ठीक है ठीक है, समझ गया हूँ। आवाज आप लोगों की आ रही है, आज क्यों यहाँ पर कोई बात है क्या? आज बहुत कटरा है, सही है नेटवर्क जी, चलिए जहाँ नहीं समझ आया वहाँ दोहरा लीजिए क्योंकि हमको पढ़ाने का केवल तो है, ये समझ में आ गया है ये। हाँ अच्छा, पक्ष में ले लीजिए, अच्छा पक्ष में ये नहीं है, अब दूसरी उपाधि को ले लीजिए, बाधक बाध्य बाधकम प्रति निषेध तेन विषयत्वम, पद से तो ले लीजिए या पक्ष को ऐसा पक्ष को किसी को क्या भूत पदार्थ है उसको हाथ हो जिससे मिथ्या प्रसिद्ध है उसको पापन उसका बाधक स्वपद से लिया सुक्ति रजत को, उसका बाधक वही लेंगे आप यम यम सुक्ति रजत सुक्ति से जो नाभित होने वाला यम सुक्ति से नेदम रेतम ये बाधित होने वाला नहीं है, यम सुक्ति से नेदम रेतम इदम और रजत का जो भेद है, ठीक है ना। हेलो जी, तो जो यमर सुक्ति ये जो बाधक ज्ञान है ये बाधक ज्ञान से नेदम रतम जो इदंतर का रजत से भेद है वो भेद क्या बाधित होगा? नहीं, अरे वो तो फलभूत होगा जब उसमें इदंतर में सुक्ति सब प्रकार ज्ञान होगा तभी ना इदंता से भेद निश्चय होगा, तो वो तो उसका फलक है बाधक नहीं अपितु साधक है, ठीक है ना। तो यम सुक्ति ये जो ज्ञान है बाधक ज्ञान है वो उससे जो इदम रयतम ये जो बाधक है निषेध है इस निषेध का बाधक नहीं, अतः स्व माने सुक्ति रजत उस सुक्ति रजत का जो बाधक उस इयम सुक्ति से अबाध्य जो नेदम रहतम निषेध उस नेदम रहतम ये निषेध के प्रति निषेधक विषय कौन हुआ? अरे निषेधत्व विजय इदम रहतम है ना, दूसरे बाधक से क्या लेना है? निदम रहतम निषेध, हाँ पहला बाधक जो है यम सुक्ति हुआ, यम सुक्ति
उससे न बाधित होने वाला जो नेदम रजतम ये निषेध है। अच्छा, नेदम रजतम ये बाधक, क्योंकि इदंता से रजत का भेद ही भेद भी इदंता से रजत का यदि भेद सिद्ध हो जाएगा तब भी रजत पूर्ववर्ती से बाधित हो पूर्ववर्ती में बाधित हो जाता है। समझे ना, क्योंकि इदम तदात्म्यपन रजत की प्रतीति हो रही है, अनेदम रजतम से इदंता के तादात्म्य का रजत में निषेध, तो वो रजत इदम तदात्म्यपन प्रतीत नहीं होगा। ठीक है ना, क्योंकि तादात्म्य रजत की प्रतीति वो भ्रम है, और नेदम रजतम जब इदंता तादात्म का व्यतिरेक सिद्ध हो जाएगा, भेद सिद्ध हो जाएगा रजत में, तो रजत की इदंतादात्म्यपन बाधित हो जाएगा। इसलिए वो भी बाधक है, जो भेद है इदंता से, जो भेद है वो इदंता से भेद भी बाधक है। और इयम इयम सुक्ति इदंता में सुक्ति प्रकार ज्ञान या पूर्ववर्तिता में आवाज ठीक नहीं आ रही गुरु। आज बहुत डिस्टर्ब। हाँ, क्या सुन जी? आवाज नहीं आ रही गुरु। क्या नहीं सुने? देखो कहाँ नहीं आ रही, क्या हो रहा है? बाद अच्छा, ओ इंटरनेट जो स्लो चल रहा, लाइट ना होने का। हाँ हाँ प्रांगे, समझो क्या? जी जी, आवाज जी आई कि नहीं? कुछ हाँ आ रही है। तो स्वाब यहाँ पर स्वाबाधक है ना, दो बाधक हैं, एक नियम सुक्ति ये बाधक है जी, उस नियम सुक्ति जो बाधक है उससे न बाधित होने वाला जो बाधक है नेदम रजतम जी। ठीक, तो नियम सुक्ति जो इदम रजतम का बाधक जो नियम उससे बारे वाला जो बाधक है नेदम रजतम, ये नेदम रजतम का विषय जो है इदम रजतम है जी। चलो हाँ, सही नहीं आ रही गुरु जी। अच्छा, क्या नहीं समझ में? आज नेटवर्क जो है बहुत क्या स्वाबाधक बाधम प्रति निषेध है, तो ये नहीं समझ में आया? आ गया गुरु जी, आ रहे गुरु जी, क्योंकि वाणी में स्पष्टता। हाँ जी, तो हम क्या करें, हमारी वाणी अस्पष्ट है, ये नेटवर्क जो संबंध है जोड़ने का यही अस्पष्ट है, बहुत बार जो है घुमड़ा हुआ है, बिजली नहीं है तो नेटवर्क बाधित चल रहा है, बहुत स्लो चल रहा है, आप तक बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है, लड़का भी परेशान है। ठीक है जी गुरु जी, आप चलिए। तो ये हम बताना चाह रहे थे कि दोनों बाधक हैं, नियम सुक्ति भी ये बाधक है, क्योंकि जब पूर्ववर्ती में
सुतित्व प्रकार ज्ञान हो जाएगा तो रजतत्व प्रकार ज्ञान और रजतत्व प्रकार विषय का बाध हो जाता है। रजतत्व प्रकार ज्ञान ही जो है रजतत्व प्रकार विषय का उपस्थापक हो करके और वहां पर इधर संपत्ति होती है। जब वो पूर्ववर्तिता में यम सुक्ति माने सुतित्व प्रकार ज्ञान हो जाएगा तो रजतत्व प्रकार जो भ्रम है जिस भ्रम के कारण इदम रजतम मन इदम तादात्म्यापन्न रजतत्वावच्छिन्न रज की प्रतीति हो रही है वो रजत की प्रतीति बाधित हो जाती। इसलिए यम सुक्ति यह ज्ञान भी बाधक है और दूसरा नेदम रजतम भी बाधक है। तो नेदम रजतम भी बाधक दोनों को समझ लीजिए ना। नेदम रजतम भी बाधक है क्यों? इदंता से जब रजत का भेद सिद्ध हो जाएगा इदंतादात्म्यापन्न रजत की प्रतीति हो रही है इदम रजतम और यदि नेदम रजतम इदंता से रजत का भेद इदम पदार्थ से सिद्ध हो जाएगा तो इदम तादात्म्यापन्न प्रतीति का बाध हो जाएगा जी। तो दोनों बाधक हैं परंतु वो जो नेदम रहतम है वो नेदम रहतम यम सुक्ति इस बाधक से बाधित नहीं है जी। क्योंकि यम सुक्ति ज्ञान होगा वो यम सुक्ति जो बाधक है वो नेदम रहतम धक है जी। उसका फल है। हेलो जी जी गुरु जी। हाँ साधक है क्योंकि जब आपका यम सुक्ति ज्ञान हो गया माने सुक्ति कारक जब ज्ञान होगा यम तो नेदम रतम इदंता से जो पैसले साही अतः स्वाबाधक बाधक जो स्व माने सुक्ति रजत उसका बाधक जो सुक्ति उससे आप जो नेदम रतम बाध उस बाध के निषेधक विषय क्या हुआ सुक्ति रजत है ना। इसलिए सुक्ति रजत में यह उपाधि हेलो डिस्कनेक्ट हो गया आज नहीं आ रही बड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा है। आवाज कट गई सी अरे तो हेलो इससे अच्छा फोन से कॉन्फ्रेंस करके पढ़ा देते हैं। फोन से सब लोग आवाज नहीं आ रही गुरु जी आज डिस्टर्ब। अरे अभी जुड़ा ही नहीं है कट गया नेटवर्क बहुत परेशान कर रखा है आज कुछ यहाँ तकलीफ तो रही है। आवाज हेलो हेलो जी आ रहे हैं जी आ रहे हैं।
आ रही है। तो देखिए दो उपाधियों का समन्वय आपने सपक्ष में कर लिया, सपक्ष में दोनों उपाधियां रहेंगी और पक्ष में भी आप ले जाइए तो पक्ष में पहली उपाधि नहीं रही क्योंकि वहां पर जो स्वाबाधक अभिमत अबाध दोष, तो वहां पर दोष अविद्या थी, वो बाधक ज्ञान से निवृत्त ही होने वाली है ना, वो दोष अबाध्य नहीं है बाधक ज्ञान से, बाधक से यहाँ पर आप ले लीजिए स्वपद से है ना, आप पक्ष भूत को लेंगे उसका बाधक जो आत्म साक्षात्कार, आत्म साक्षात्कार यहाँ पर निषेध क्या है, नेह नाना जी, ये जो है निषेध है, ये निषेध का विषय जो प्रपंच है, ठीक है ना, जो प्रपंच का बाधक है, हेलो जो रूप आता है तो आवाज नहीं आती है, आवाज नहीं आ रही है, बीच में कट गई थी, कट गई थी अभी यार, अरे कट जा रहे तो क्या करें, वो नेटवर्क का परेशान है तो बताए, तो देखिए पक्ष में आप ले जाइए दोनों उपाधियों को, पक्ष में पहली उपाधि नहीं गई क्योंकि पक्ष में जो स्वपद से लिया पक्ष को उसका जो बाधक है आत्म साक्षात्कार या खंडाकार का व्यक्ति उससे बाधित ही है, अविद्या रूप दोष अबाधित नहीं है, नहीं अविद्या दोष प्रयुक्त भानत्व है, वो अविद्या उससे बाधित है। दूसरा ले लीजिए, दूसरा स्व से लिया पक्षी भूत प्रपंच को उसका जो बाधक है वो बाधक है आत्म साक्षात्कार, और निषेध कौन है, नानास्ति किंचन अतो नार्द अनादम इत्यादि, अतो आर्तम इत्यादि, अतो अन्यदार्थम जी, आदो अन्यदार्थम इत्यादि जो श्रुतियां हैं वो श्रुति बोध जो श्रुति गम्य जो बाध्य है बाधक है वो बाधक भी आत्म साक्षात्कार से बाधित ही है, अबाधित नहीं, ठीक है जी जी जी। इस प्रकार से ये भी साधन की अव्यापक हो गए। फिर वही हम जो पहले आपको इतना समझाए थे केवल साध्य व्यापकत्व सती साधन अव्यापकत्व मात्र उपाधि यदि हम मानेंगे तो पक्षेतरत्व कम होगी, और वो पक्षेतरत्व को उपाधि माना नहीं जाता है क्योंकि पक्षेतरत्व जो है सर्वत्र जो है विद्यमान होता है, अतः उसको यदि उपाधि मानेंगे तो सभी जो हेतु है वो सोपाधिक हो जाएंगे। अब यहाँ पर भी हम देखते हैं कि पक्षेतरत्व के समान है कि नहीं, ये जो उपाधि है पक्षेतरत्व के समान नहीं, क्यों, यत्र यत्र साध्यम तत्र तत्र स्वबाधकाभिमतबाध दोष प्रयुक्त भानत्वम्, ये तो हो गए ना साध्य व्यापकता जी, ये तो समझ ही चुके हो जी। यत्र यत्र मिथ्यात्वम तत्र तत्र स्वबाधक बाध बाधकम प्रति निषेधत्वेन विषयत्वम, ये भी हो गया जी। अब दूसरा लेना है, ठीक है ना जी। दूसरा क्या लेना है कि यत्र यत्र उपाधि तत्र तत्र साध्यम, ये भी लेना, उपाधि भाव साध्य भाव नहीं लेना, ये लेना है यत्र, हाँ ये लेना है कि यत्र माने साध्यम नास्ति तत्र उपाधि नास्ति, सम व्याप्ति में यही लेना होता है है ना, विषम व्याप्ति लेते तो यत्र उपाधि नास्ति तो साध्यम नास्ति तो पक्षेतरत्व में संगठित हो जाता है, सम व्याप्ति हमको कहना है, सम व्याप्ति माने जहाँ पर साध्य नहीं है वहां पर उपाधि भी नहीं है,
जहाँ पर साध्य है वहाँ उपाधि है, जहाँ पर साध्य नहीं है वहाँ उपाधि भी नहीं है। जब समव्याप्तिक उपाधि होगी तभी वो हेतु को दूषित करने में समर्थ हो सकती है। केवल विषम व्याप्ति, केवल व्यतिरेक व्याप्ति, केवल उपाधि नास्ति, केवल साध्य मात्र व्यापक कोई धारण विशेष जो साधन मात्र का व्यापक हो वो उपाधि नहीं मानी जा सकती है, क्योंकि वो उपाधि पक्षे तत्व समय है। अब देखिए इसमें यत्र साध्यम नास्ति, साध्यम कुत्र नास्ति, आत्मन जी ब्रह्मण, यहाँ ब्रह्मण ही कह दो तुमको, आत्मन कोई बात जी तो ब्रह्म में जो है, तो देखिए ब्रह्म में मिथ्यात्व तो नहीं है जी। तो क्या ब्रह्म में मिथ्यात्व तो नहीं है, तो स्वाबाधक अभिमत बाध दोष प्रयुक्त भानत्व तो नहीं है। आत्मा का जो भान है वो स्वयं तो प्रकाश भान है ना, उसमें कोई दोष प्रयुक्त भानत्व आत्मा में थोड़ा है, नहीं है कुछ, नहीं है ना। तो वहां पर जब आत्मा में साध भी नहीं है, उपाधि भी नहीं है, बाध्य बाध का अभिमत बाध दोष प्रयुक्त भानत्व, तो ये जो है उपसाध्य के समव्याप्तिक हो गई। साध्य के समव्याप्तिक हो जाने के कारण ये पक्षेतरत्व के समान नहीं हुई, नहीं है जी। और दूसरी को भी ले लीजिए, यत्र साध्य भाव उपाधि भाव लेना है तो साध्य भाव आत्मा में ले लीजिए जी, अथवा साध्य भाव उसमें भी लेते जाइए, विचार काहे के लिए रह जाए आपका तुच्छ तुच्छ में। हाँ तुच्छ में है ना, तो तुच्छ में भी लेते जाएंगे तो उसमें भी तुच्छ का स्वबाधक तुच्छ बाधक तुच्छ का कोई बाधक नहीं जी। तो ऐसा पदार्थ को बाधित नहीं होता है, तो तुच्छ का तो कोई बाधक है ही नहीं, तो स्वबाधक बाधित भान दोष भान प्रयुक्त भान और उसका भान है नहीं जी। तो उसका जब भान नहीं है तो दोष प्रयुक्त भान है तो या दोष प्रयुक्त भान है तो की कोई चर्चा ही नहीं, चर्चा ही नहीं, मिथ्या तो नहीं है। और ये स्वबाधका हिमत बाध दोष प्रयुक्त भानत्व तो भी नहीं है जी। वो उस बंध्या पुत्र जो है वो निषेध का विषय नहीं है और न कोई उसका बाधक है, अतः उसमें साध्य भी नहीं है उपाधि भी नहीं है, अतः समव्याप्तिक उपाधि पूर्व पक्षी ने कहा ये हमारी उपाधि बड़ी बलवान है, क्योंकि समव्याप्तिक उपाधि है अतः ये पक्षे तत्व के समान नहीं है, अपितु समव्याप्तिक उपाधि है, इस उपाधि से युक्त आपका दृश्यत्व जलत्व या परिच्छिन्नत्व हेतु होंगे, अतः सोपाधिकत्व उनमें चला जाएगा। समव्याप्तम इति समव्याप्तम माने साध्य के साथ समव्याप्तिक उपाधि है, अतएव व्यतिरेक व्याप्तिमत उपाधि। व्यतिरेक व्याप्तिमत उपाधि का मतलब क्या है, जब व्यतिरेक उपाधि मत को चंद्रिका काल में कहा है व्यतिरेक व्याप्ति, तयो चंद्रिका की पंक्ति है तयो रेव व्याप व्यक्ति व्यतिरेको हो अन्वय व्याप्ति। हाँ उन्हीं की अन्वय व्याप्ति मानी जाएगी जिनका व्यतिरेक भी व्याप्त, तयो रेव व्याप व्रत व्यतिरेक व्याप्य वृत्ति का जो व्यतिरेक है ना व्याप्य, देखिए व्याप्य दोनों यहाँ पर हो रहे हैं,
यत्र उपाधि तत्र साध्यम, यत्र साध्यम तद उपाधि। अतः दोनों व्याप्त हुए, उन व्याप्त में जो रहने वाला व्यतिरेक है अभाव, वो जो अभाव है वो अभाव यो हो अन्वय व्याप्ति, उन व्यतिरेक उन व्याप व्यक्तिक व्याप व्यक्तिक जो व्यतिरेकी है उनका भी अन्वय। कैसे अन्वय है? यत्र उपाधि नास्ति है ना, तत्र साध्यम नास्ति, अयत्र साध्यम नास्ति तद उपाधि नास्ति, ये दोनों है उसी को व्यतिरेक मत उपाधि कहते हैं, है ना, आगे ना सुन। इसलिए व्यतिरेक मत क्योंकि संदेह तत्काल हो जा रहा है कि अभी समव्याप्ति कहा, अब व्यतिरेक मत, तो व्यतिरेक मतता यही है कि जिन दो पदार्थों में साध्य और उपाधि में व्याप्त गृहित हो गया है वो व्याप वृत्ति जो व्यतिरेकी पदार्थ है उनका व्यतिरेकियों का भी अन्वय होना चाहिए। वो अन्वय ये है यत्र उपाधि अभाव तत्र साध्याभाव, यत्र साध्याभाव तत् उपाधि भाव, वो भी इसमें गृहित है। ठीक है ना जी? अच्छा अब चलिए, ये उपाधि भैया हो चुकी आपकी, अब उपाधि में कोई ना कोई व्याधि आपको माने सिद्धांती को देना चाहिए। यदि उपाधि में कोई व्याधि नहीं दी गई तो ये उपाधि प्रबल हो करके हमारे सब जो दृश्यत्व जड़त्वादि हेतु हैं उनको दूषित कर देगी। इसमें कह रहे हैं ब्रह्म ज्ञान मात्र बाध्ये देहात्मयी के मिथ्या भूते साध्य अव्यापकत्व। आपने समव्याप्ति कहा है, अरे साध्य की व्यापक नहीं, ये तो साध्य की व्यापक नहीं। क्यों? अरे साध्य की व्यापक तो तब होती कि जहां पर साध रहता वहां पर उपाधि रहती। कहा तुम केवल यही समझ रखे हो कि सुक्ति रजत ही सिद्ध साध्य स्थल है। अरे आपका देहात्मैक्य जो है देह और आप अहम से अहम शरीर, ये जो देहात्मय देहात्मैक्य है, ये देहात्मैक्य भी तो मिथ्या भूत है। देह को आत्मा चारवाक के अतिरिक्त तो लोग नहीं मानते हो ना, उनसे जो कहा कि तुम भी चारवाक के अतिरिक्त देह को आत्मा तो मानती नहीं हो, पूर्व पक्षवाती जो द्वैती है, और उनको भी देह में आत्म प्रतीति होती है, वो अहम देह ये जो प्रतीति, तो अहम देह ये जो प्रतीति है देह आत्म तादात्म प्रतीति जो है, ये देह आत्म तादात्म प्रतीति देह आत्म का तादात्म, ये मिथ्या भूत है सभी के मत में कि नहीं? जी 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 मिथ्या मिथ्या भूत है कि नहीं है? अब चलिए वहां पर उपाधि ले जाइए, है ना, वहां पर उपाधि ले जाइए तो देहात्म बाद देहात्म ही के कहें, देहात्म कहें, ठीक है ना जी? हेलो जी, मिथ्या भूत है कि नहीं है? है जी। चलिए वो मिथ्या भूत हो गया देहात्मिक के साथ रह गया, अब उपाधि ले जाइए, श्वास से क्या लेंगे? देहात्मिक उससे, ठीक है ना, उससे जो उसका जो बाधक, उसका बाधक क्या होगा?
आत्म साक्षात्कार है ना, उसका बाधक होगा जी, तभी देहात्मा ऐक्य बोध जाएगा। जो आत्म साक्षात्कार जो है वही उसका बाधक ज्ञान। हेलो जी, बीच में रुके। और यहाँ पर दोष क्या है? दोष अज्ञान, विद्या, सिस्टम शराब। आवाज नहीं आ रही मुझे। हेलो, किसी के यहाँ कूलर उलर, कूलर की हवा से गड़गड़ा रहा है? किसी के यहाँ कूलर चल रहा है क्या? अरे कूलर की आवाज आए तो आए, हमारी आवाज आ रही है। अभी आने शुरू हुई आपकी आवाज, बीच में नहीं आ रही थी। बीच में तो कट गया था। चलिए तो देखिए, अब देहात्मक में जो है मिथ्यात्व तो है जी, सिद्ध हो गया ना। अब वहाँ पर उपाधि को भी रहना चाहिए, तभी साध्य की व्यापक होगी। अब चलिए, उपाधि स्वपद से लिया देहात्मक, है ना, उसका बाधक कौन है? आत्म साक्षात्कार। आत्म साक्षात्कार, उस आत्म साक्षात्कार। दोष क्या है यहाँ पर? अविद्या। अविद्या दोष है। वो अविद्या जो है आत्म साक्षात्कार से बाधित होने वाली है कि अबाधित होने वाली है? बाधित होने वाली, बाधित हो जाएगी, बाधित होने वाली है। अतः बाध का स्वबाध का विमत जो अबाध दोष प्रयुक्त भानत उसमें नहीं रहा, नहीं रहा जी जी। साध रह गया और उपाधि नहीं, उपाधि नहीं रहा, है ना जी। अध्यापक हो गई, दूसरा उपाधि का भी संबंध इसी में कर लो। से देहात्मक लिया, उस देहात्मक में जो है आपका मिथ्यात्व है। अब वहां पर आपको दूसरी उपाधि स्वबाध का अभिमत, स्वबाध का बाधकम प्रति निषेधत्व है ना, विषयत्व। तो स्व का जो स्व माने जो देहात्मक है, उसका जो बाधक आत्म साक्षात्कार, अरे उससे सब बाधित हैं, जितने भी नेह नाना किंचन इत्यादि जो बाधक हैं, वो उसी से आत्म साक्षात्कार से बाधित ही हैं। अतः स्वबाधक बाध्य बाधकम प्रति निषेधत्व विषयत्व रह गया, उपाधि नहीं रही। अतः इस उपाधि को लेकर के जो ताल ठोक रहे थे पहलवान जी, द्वैती महाराज, जो आप ताल ठोक रहे थे कि हमने ऐसी उपाधियों का हमने उद्भावन किया है कि उन उपाधियों को दाव पेंच होते हैं ना, जो दंगल में लड़ाई होती है ना पहलवानों की, वहां पर पेंच होते हैं। उन पेंचों को सोच करके प्रवृत्त होता है कि इस पेंच को लगाऊं तो धाय से चित्त गिरेगा। वो पेंच जब नहीं लग पाता है तब जो है प्रतिवादी हंसता है कि कहो तुम तो बहुत सीख करके आए थे ना अपने गुरु से। उसी प्रकार से ये जो उपाधि थी, इस उपाधि में उन्होंने कहा कि साध्य व्यापक गुरु जी। हाँ हेलो गुरु जी, ये जो देहात्मा के है वो पक्ष में नहीं आएगा क्या? सपक्ष में आएगा? अरे सपक्ष देहात्मा के में किसी को संदेह है का मिथ्यात्व तो का? हाँ तुम देह को आत्मा मानते हो क्या? नहीं नहीं। हाँ पूर्व पक्षी देह को आत्मा मानता है क्या? नहीं नहीं।
तो देहात्मय के में जो है तो क्या कहते हैं संदेह रहेगा मिथ्यात्मक मिथ्यात्व का क्या जी जी नहीं है तब कहे कि रे सपक्ष कहे को होगा। अरे देह को आत्मा यदि पूर्ववादी मानता कि देह और आत्मा एक ही है तब उसको संदेह नहीं होता। और देह आत्मय के जो प्रतीति है देह आत्मा नहीं है देह ही आत्मा नहीं है जब प्रतीति देह ही आत्मा है जो प्रतीति है मिथ्या भूत प्रतीति है संदेह किसको हो रहा। संदेह यदि साध्य का रहता तब न सपक्ष कोटि में जाता जी पक्ष कोटि में जी पक्ष कोटि में जाता जब साध्य का संदेह रहता जी साध्य का निश्चय यदि निश्चय मान लीजिए साध्य का और वो क्या कहते हैं साध्या भाव का निश्चय मान लीजिए चारवाके कोटि में चले जाइए हम तो चारवाक नहीं आपसे क्या कहते हैं पूर्व पक्ष में जाता हुआ है ना चारवाक को क्या लेना देना है ना चारवाक नहीं आपके पूर्व पक्ष में है पूर्व पक्ष में तो आपके नैयायिक है और क्या कहते हैं द्वैती हैं जो आपके मध्वादी जो द्वैती है वही ना पूर्व पक्ष में है जी आओ कोई संदेह है ईश्वर नहीं है तो फिर आगे बढ़ो। अब एक तो दो से दिया अब पर्वत अवयव वृत्तित्वन्यत्वादिवत साधनवत पक्षमात व्यावर्तकत्व विशेषणत्वे विशेषणवत्वेन पक्षेतरत्व तुल्यत्वात् कहा पर्वत अवय वृत्तित्व अन्यत्व है ना पर्वत अवय वृत्तित्व अन्यत्व के समान साधनवत पक्ष मात्र की व्यावर्तक दूसरी बात विशेषण अंश जो इसका है उसके अंश विचार करें है ना चलो अब दूसरा विचार कर रहे हैं ये समझ रहे हैं कह रहे हैं कि इसमें आप जो उपाधि में विशेषण अंश दिए हैं है ना दोनों का विशेषण समझ लीजिए स्वबाधक अभिमत बाध दोष आवाज नहीं आ रही स्व हेलो जी अभी आए क्या कहें उधर तुम्हारे यहाँ ज्यादा डिस्टर्ब है हम लोगों के यहाँ तुम्हारे चलिए पहला जो उपाधि का विशेषण अंश नहीं नहीं आप इसमें हैं जा रही है गुरु जा रही है सही है किसी के यहाँ आती है किसी के यहाँ नहीं आती किसको नहीं सुनाई दे रहा है बताइए आवाज नहीं आ रही बीच में रुक रही है गुरुजी आज बहुत ज्यादा आवाज अरे तो क्या करें भाई हम तो लगातार बोल रहे हैं तो नेटवर्क जो है तो आज बहुत डिस्टर्ब है ना सही है अभी गुरुजी बढ़िया है बोलिए अभी अभी बोलिए गुरुजी आ रही है बढ़िया से ईश्वर तुमको सुना दे सुनाई दे नहीं गुरुजी कट रही थी बीच में आवाज अरे तुमको अब सुनाई दे रहा है अब दे रहे हैं अभी दे रहे अभी आ रहा है गुरुजी आवाज कैसे ईश्वर हो ईश्वर का अतिंद्रिय ज्ञान माना जाता है और तुमको जो है इंद्रिय प्रतिबंध भी हो रहा है क्या कहें चलिए अब हम विचार करते हैं कि जो उपाधि है आना होना चाहिए तो हाँ तो चलिए उपाधि में क्योंकि देखिए जिस प्रकार से हेतु के विशेषण की सार्थकता मानी जाती है यदि हेतु विशेषण से व्यभिचार वारकत्वम तदैव हेतु विशेषण से सार्थक्यम अन्यथा निवर्तकत्वम हेतु में जो विशेषण दिया जाता है वो हेतु का विशेषण यदि कोई किसी व्यभिचार का व्यावर्तक हो
तब हेतु के विशेषण की सार्थकता मानी जाती, अन्यथा हेतु विशेषण की सार्थकता नहीं मानी जाती। अतः पर्वतो बन्धिमान नील धूमात नहीं कहते हैं। क्यों? अरे धूम तो नीले होता है और रक्त पीत तो होता है। नील विशेषण देने पर भी किसी व्यभिचार वारण कोई किसी व्यभिचार की व्यावृत्ति नहीं हो रही है, व्यभिचार वारकता नहीं हो रही कि कोई व्यभिचार आ रहा हो। अरे जहाँ धूम रहेगा वहां नील धूम भी रहेगा, तो कोई व्यभिचार की वारकता नहीं। इसलिए नील जो विशेषण है वो नील विशेषण जो है व्यर्थ होता है। अतः व्यर्थ विशेषण के हेतु को भी व्याप्यत्व सिद्ध कहा जाता है। जिस हेतु का विशेषण व्यर्थ हो ऐसे विशेषण से विशिष्ट भी हेतु को व्याप्यत्व सिद्ध ही कहा जाता है। अतः यहाँ पर भी वो हेतु विशेषण व्यर्थ हेतु विशेषण जो है वो भी उपाधि मानी जाती है। व्यर्थ हेतु विशेषण भी जो है उपाधि मानी जाती है। अतः व्यर्थ हेतु विशेषण का जो माने व्यर्थ विशेषण का जो हेतु है वो भी व्याप्यत्व सिद्ध माना गया। अब यहाँ पर चल दी, यहाँ पर जो और उपाधि, उपाधि में जो विशेषण अंश है वो विशेषण अंश यदि न देने पर कहीं पर व्यभिचार आदि माने साध्याभाव उद्वृत्तिता यदि उपाधि की हो रही हो, साध्यान अधिकरण वृत्तिता उपाधि की हो रही हो, तो वो उस विशेषण की सार्थकता है। यदि वो विशेषण की न देने के बाद भी साध्याभाव उद्वृत्तिता यदि उपाधि की नहीं होती तो वो उपाधि केवल व्यर्थ है। ऐसे व्यर्थ है, केवल पक्ष की व्यावृत्ति मात्र के लिए दी गई है उपाधि। तो पक्ष मात्र व्यावृत्ति के लिए जिस प्रकार से पक्ष पर्वत अवयव वृत्त्यन्यत् जिस प्रकार से कोई दे किसी ने, वो केवल पक्ष का मात्र व्यावर्तक है, वो साध्य का व्यापक और साधन व्यापकता से कोई मतलब नहीं है। उसी प्रकार से ये जो विशेषण अंश है, ये जो विशेषण अंश है, ये विशेषण अंश न देने पर भी उपाधि का समन्वय हो सकता है, तो ये विशेषण केवल पक्ष की व्यावृत्ति के लिए है। चलिए आप विशेषण अंश को हटा करके उपाधि को पढ़िए। बाद दोष प्रयुक्त भावनत्व ये उपाधि, ठीक है ना? वा बाध का अभिमत बाद दो बाध को, बाध को हटा दिया जाए विशेषण को, तो दोष प्रयुक्त भानत्व, दोष प्रयुक्त भानत्व आपका कहाँ पर है? सुप्ति रजत में दोष प्रयुक्त भानत्व, दोष प्रयुक्त भानत्व आपका देहात मैक्य में है। और यहाँ पर ले लीजिए दूसरा, बाधकम प्रति निषेधत्वेन विषयत्व, ठीक है ना? बाधकम नेदम रतम, है ना? उस निषेध के, उस निषेधक के प्रति विषयत्व केवल हो गया ना। जहां जहां व्यापकता भी ले, जहां जहां उपाधि है बाधकम प्रति निषेधत्वेन विषयत्व तो है या दोष भान प्रयुक्त भानत्व है, मिथ्यात्व है। अब रह गई ये दोष, ये यदि हम विशेषण को नहीं देते हैं तो ये पक्ष में भी रहेगा जी, प्रपंच में भी, प्रपंच में भी रह जाएगा। तो इसके माने क्या हुआ? माने साध्य की व्यापकता उपाधि में गृहित हो रही है,
उपाधि और साध्य की समव्याप्ति भी ग्रहित हो रही है विशेषण के बिना। जी विशेषण के बिना ही उपाधि और साध्य की समव्याप्ति भी ग्रहित हो रही है ना। जी विशेषण न देने पर केवल ये हो रहा है कि पक्ष में उपाधि की हो जा रही है। इससे का मतलब क्या हुआ, केवल पक्ष व्यावृत्ति के लिए ही आपने विशेषण दिया है ना, और कोई फल नहीं है उसका। इसका और कोई फल नहीं है तो इसके माने जो विशेषण अंश है वो विशेषण अंश केवल पक्ष व्यावृत्ति के लिए दिया है तद। अच्छा यदि केवल आप यदि केवल विशेषण अंश को छोड़ दे तो उपाधि बन नहीं पा रही। देखिए यदि विशेषण अंश का परित्याग करते हैं तो साधन की भी व्यापक हो जा रही है। सुना ना हो जी ईश्वर जी गुरु जी जी सुन रहा हूँ। सुन रहे हो, सो जाते हैं बीच में भाई लग रही है तुम्हारे यहाँ बिजली है तो सो जाते। चलिए तो इसलिए विशेषण अंश किसके लिए केवल दिया जा रहा है, इसलिए दिया जा रहा है और कोई फल नहीं हो रहा। विशेषण का परित्याग कर दें, यदि केवल विशेष अंश को केवल उपाधि बनाए तब भी उपाधि नहीं हो जाती है और साध्य की व्याप्ति भी हो जाती है। तो विशेषण अंश तो केवल पक्ष व्यावृत्ति के लिए दिया गया है ना, केवल पक्ष व्यावृत्ति के लिए ही केवल दे रहे हैं। अच्छा तो केवल पक्ष व्यावृत्ति के लिए जिस प्रकार से पर्वत पर्वत अवयव व्यक्ति अन्यत्व को उपाधि नहीं माना जाता क्योंकि वो केवल पक्ष की मात्र व्यावर्तक है, अतः ये भी उपाधि नहीं मानी जाएगी क्योंकि ये भी केवल पक्ष व्यावर्तक मात्र है। ठीक है ना, व्यावृत्ति मात्र होती है। अब विशेष अंश को यदि उपाधि माने तो विशेष अंश को उपाधि माना नहीं जा सकता क्योंकि वो साधन व्यापक है, साधन की अव्यापक नहीं है। ठीक है ना हो जी। इसलिए आप देखेंगे साहित्य दृष्टांत यहाँ सुधर आते व्यतिरेक पक्षेतर साधनवत पक्ष मात्र साधनवत जो पक्ष है तद मात्र व्यावर्तक विशेषण वाली होने के कारण पक्षेतरत्व के तुल्य है। ठीक है ना, पक्षेतरत्व सदृश ही है ये उपाधि। इस उपाधि पर आप कह देते हैं बहुत ना नाचिए कूदिए क्योंकि उपाधि नहीं पा रही उपाधि उपाधि हो जाए है ना, तो उपाधि की व्याधि हो गई। इसमें आप देखेंगे जहाँ पर चित्रं को अधिकम कार्तिजन्यम कार्यत्वात् घटवत्, यहाँ पर शरीर जन्यत्व उपाधि दिया था चार्वाक। आवाज नहीं आ रही गुरु जी। हेलो फिर नेटवर्क प्रॉब्लम है गुरु जी, आवाज नहीं आ रही ना। देखो शरीर जन्नत आ रही है गुरु जी, फिर रुक गई। अरे को बदलने एक दूसरे से नेट बदलने में थोड़ी देर लगती है ना। हेलो जी जी आ रही है गुरु आ रही। तो जिस प्रकार से वहां पर है ना क्षेत्रंको अधिकम कार्तिजन्यम सकार्तिकम
कार्यत्वात या कर्तजन्यम कार्यत्वात जो भी आप हेतु कहें, वहां पर सकर्तिकत्व तो साध्य जो है आपका घटादि में है और वहां पर तो वहां शरीर वहां पर भी इस बात को उठाया था कि वहां पर केवल जन्यत्व को कहें तो यत्र यत्र जन्यत्वम तत्र कार्यत्वम, ये जन्यत्व भी उपाधि बन सकती है, शरीर जन्यत्व ना उपाधि है जी, शरीर जन्यत्व आपका कहते हैं उसमें घट में सिद्ध है शरीर जन्यत्व, शरीर जो आपका कुलाल है तत्जन्यत्व उसमें सिद्ध है, और ये जो पक्ष भूत चित्त अंकुरादि है इसमें शरीर जन्यत्व सिद्ध नहीं है। मित्रा जी आज बहुत देर से आए हैं का, नहीं जा सकता नहीं। तो जिस प्रकार से यहाँ पर देखिए शरीर जन्यत्व में शरीरी अंश ना रखें केवल जन्यत्व अंश रखें तब भी उपाधि हो सकती है कि नहीं? हो सकती है। सकर्तिकत्व का भी जन्यत्व व्यापक है और जन्यत्व का भी सकर्तिकत्व व्यापक है, संव्याप्ति हो सकती है जी। तो वहां पर जो शरीरी अंश है वो केवल पक्ष व्यावृत्ति के लिए दिया गया है, अतः पक्ष व्यावृत्ति के लिए दिया गया है तो पक्षेतरत्व तद विशिष्ट जो उपाधि है ठीक है ना, विशेषासयुक्त जो उपाधि है वो पक्षेतरत्व के समान हुई। पक्षेतरत्व जिस प्रकार से पक्ष मात्र का व्यावर्तक है अतः उसको उपाधि नहीं मानी जाती क्योंकि वो सर्वत्र हेतुओं में संगमित हो सकता है। उसी प्रकार से यहाँ पर विशेषण से विशिष्ट जो आपकी उपाधि शरीर जन्यत्व जो शरीर जन्यत्व ये विशेषण विशिष्ट उपाधि जो है केवल पक्ष मात्र की व्यावर्तक है। यदि जन्यत्व को आप कहें तो जन्यत्व तो उपाधि हो भी नहीं सकती है क्योंकि वो साधन की भी व्यापक है जी, ठीक है ना। इस प्रकार से ये जो उपाधि को लेकर के ये उपस्थित हुए थे उसमें इन्होंने बताया कि ये केवल विशेषांश को लेकर के उपाधि नहीं बन पा रही है और विशेषण से विशिष्ट जो आपकी उपाधि है वो केवल पक्ष मात्र की व्यावर्तक, पक्ष मात्र की व्यावर्तक है। तो पक्ष मात्र का व्यावर्तक उपाधि विशेष धर्म विशेष जिस प्रकार से पक्षेतरत्व पक्ष भिन्नत्व उपाधि नहीं माना जाता उसी प्रकार से आपका स्वाबाधका बाध्य प्रयुक्त भानत्व स्वाबाधका बाधकम प्रति बाधकम प्रति निषेधत्व ये दोनों में जो विशेषांश है ये केवल विशेषांश केवल पक्ष की व्यावृत्ति के लिए है, अतः विशेषण विशिष्ट जो आपकी उपाधि है वो केवल पक्ष व्यावर्तक है अतः ये पक्षेतरत्व के समान होगी, ठीक है ना जी। तो देखो कल हम सोचे थे हम वो उपाधि तो हम बता ही देंगे जी। अब इसमें पूर्व पक्षी कह रहा है कि मान लीजिए तो हम इसको भी उपाधि मान लेते हैं, रुक गए जो का दोष क्या है उपाधि जो आपकी पूर्व पक्ष व्याप्ति है साध्या भाव आवृतित्व इस व्याप्ति का की अवरोधक होती है क्योंकि साध्य का जो व्यापक जो साध्य के व्यापक का ही व्यापक जो हेतु नहीं है वो साध्य के व्यापक अभाव में जब वृत्ति है तो साध्य के व्याप्तवत में भी
साथ देखे व्यापका भाव उसमें भी वृत्ति मान करके इसको हम दोष मानते हैं। इसमें बहुत विचार किया है, कोई कोई कहता है कि ये जो उपाधि है उपाधि से सत प्रतिपक्ष का उद्भव होता है, सत प्रतिपक्षित हो जाता है हेतु, अतः सत प्रतिपक्षित हेतु साध्य का साधक नहीं होता। और कुछ लोग कहते हैं उपाधि के द्वारा साध्य की अव्यापकता हेतु में गृहित हो जाती है, अतः ये उपाधि जो है व्यभिचरित, ये जो हेतु है ये व्यभिचार युक्त हो जाता है, उपाधि जो है हेतु में व्यभिचार का उद्भावन करती है, अलग अलग पक्ष है। अब बात ये आ रही है कि जहाँ जब उपाधि होती है, जो सोपाधिक जो हेतु होता है, वहां पर कोई ना कोई बाध भी होता है। क्यों? देखिए पर्वतो धूमवान बंध है, तो बंधिमत जो अयोगोलक है वहां पर प्रत्यक्ष जो है धूम का बाध है, बाध बाध है। इसलिए आर्यंधन संयोग जो है, जो उपाधि है यहाँ पर आर्यंधन संयोग, जहां जहां आर्यंधन धूम है वहां वहां आर्यंधन संयोग है, जहां जहां आर्यंधन संयोग नहीं है वहां वहां धूम नहीं है, इसलिए समव्याप्ति कहे आर्यंधन बनने से। अब इसलिए ये उन्होंने सोचा कि जहां पर उपाधि होती है वहां पर बाध होता है, अतः बाधो नित उपाधि होती है, तो यहाँ पर भी हम इसको भी हम उपाधि मान लेंगे, क्योंकि बाधो नितता है, नचा बाधो नीतत्वात् सोप उपाधि, उसमें भी उपाधि हम पक्षे तत्व को भी यदि बाध का उन्नायक हो सके है ना, तो हम उसको भी उपाधि मान सकते हैं। कैसे बाध का उन्नायक हो सकती है, क्या है, क्यों कहा जो पक्षेतरत्व तो है, वो पक्षेतरत्व तो जल हदादि में है, ठीक है जी, पक्षेतरत्व तो जो है वो जल हदादि में है, उस जल हदादि में बनने का प्रत्यक्ष बाद है, तो बाधो नायक है, पक्षेतरत्व तो को ही उपाधि मान लीजिए जी। तब तो केवल पक्ष मात्र व्यावर्तक को उपाधि आप नहीं मानते हैं, अरे क्यों नहीं मानते हैं, यदि वो बाध का उन्नायकता उसमें है तो उसको क्यों ना माना जाए। जिस प्रकार से आर्यंधन संयोग रूप उपाधि में बाध उन्नायकता है, क्योंकि जो बन्नी है, बन्नी अयोगोलक में प्रत्यक्ष सिद्ध बन्नी, बन्नी अधिकरण अयोगोलक में धूम का अभाव प्रत्यक्ष सिद्ध है, अतः जो वो आर्यंधन योग, जो आर्यंधन संयोग रूप जो उपाधि है वो उपाधि बाध का उन्नायक है। उसी प्रकार से आर्यंधन संयोग है ना बाध का उन्नायक है, अतः उपाधि से विशिष्ट, तो ये भी पक्षेतरत्व तो भी उपाधि मानी जा सकती है, क्योंकि ये भी पक्ष से इतर में पक्षेतरत्व तो है, और वहां पर जो बंधूम का बाध प्रसिद्ध है, यह वो कहना चाह रहा है। न च बाधो नीतत्वात् सोप उपाधि, क्योंकि बाध दोष है, जहां कोई
वहाँ कोई न कोई उपाधि, जहाँ पर बाध होता है वहाँ कोई न कोई उपाधि होती है, ये कहना है। इसमें बाध है ये कह रहा है। जहां पर बाध दोष होता है वहां कोई न कोई उपाधि अवश्य हो। पर्वतो धूमवान बनने में बाध दोष है इसलिए वहां पर उपाधि है, यहां पर भी बाध दोष है, ठीक है ना? क्योंकि जो पक्षभूत आपका प्रपंच उसमें प्रत्यक्ष सिद्ध सत्यत्व प्रपंच सत्य, प्रपंच का जो प्रपंच की जो सत्ता है वो तो प्रत्यक्ष सिद्ध है, अतः सत्यत्व जो है जो मिथ्यात्व का अभाव सत्यत्व है वो प्रत्यक्ष सिद्ध है, अतः बाध है। अतः बाद होने के कारण यहाँ पर कोई ना कोई उपाधि आपको मानना है जी। तो उसको ही मान लीजिए जो उपाधि, अन्य कोई उपाधि आपको मानना ही है तो ये इसी उपाधि को मान लीजिए जो हम उपाधि कह रहे हैं, वो भी उपाधि हो सकती है जी। ये पूर्व पक्षी का कथन है जी। उत्तर में कह रहे हैं ग्रंथकार, अरे बाध, अरे बाध की चर्चा कहाँ आएगी भाई? बाधो उन्नीत है, माने बाध है, अतः बाध उन्नायक है किसी न किसी उपाधि का, तो ये उपाधि मान लीजिए। अरे बाध की जब चर्चा आएगी ना तो हम भी बाध को बाधित करेंगे जी। तुम बाध जब लाओगे तो बाध का साधन करोगे, हम बाध को बाधित कर देंगे उसी को ना। बाध से अग्रे निरस्यमानत्वात्, बाध आगे हम निरस्यमान है, उसका हम निराश आगे करने ही वाले हैं। तो कोई ना कोई यदि बाध होता तो कोई ना कोई उपाधि मानना पड़ता, ये यदि आपका सिद्धांत है ये हमको अभिनत है, परंतु बाध दोष हो तब न बाध दोष का उद्भावन आप करेंगे, हम इसके बाद बाधे दोष पर लगेंगे इसके उत्तर उसके उत्तर के काल में। प्रत्यक्ष बाद, अनुमान बाद, शब्द बाद, साक्षी बाद, जितने भी बाद हैं उन बाधों का ही हमको निराश करना है। अतः बाद यदि कोई निश्चित होता तो कोई ना कोई उपाधि मानना था तो इसको उपाधि माना जा सकता, परंतु उसका निराश आदि करना। अतिचा यदि व्यतिरेकस्य साध्य व्यतिरेक साधकत्वम् तस्यैव साध्य व्यापकत्वम् इतरांशे अनुकूल तर्का प्रसरात् तथा च चित्तैकराधिकं न कर्तृजन्यं शरीराजन्यत्वात् यथा शरीर विशेषण वैयर्थ्यात् न शरीर भिन्नत्वम् शरीर जन्यत्वम् कर्तृजन्यत्व व्यापकम् एवं वेदादिकम् न मिथ्या स्वाबाधका अभिमत बाध दोष प्रयुक्त भानत्व रहितत्वात् ये साध्य व्यतिरेक साधने साध स्वाबाधका अभिमत बाध वैयर्थत्वात् स्वाबाधका अभिमत इत्यादि। ये पूरा अंश जो है आपका बहुत देर जाएगा। अब हमारी जी मोबाइल भी स्विच ऑफ होने वाली है गुरुजी मेरी। अच्छा जी बंद कर दी। अब इसको हम कल उठा करके कुलपति जी जब तक आएंगे तो हम एक घंटा में इसको कर देंगे, है ना? हम सोचते थे कि कल हम दृश्यत्व दृश्यत्वादि है तो भाषण विचार उसमें कोई ज्यादा है नहीं, परंतु अब ये वो हो नहीं पाएगा। तो चलिए उपाधि अभी हम कल एक समय पर, आज हमारे मिश्रा जी भी दिखाई दे रहे हैं, आए ना मिश्रा जी? जी आए हैं। एंट्री केवल कर दिए है? नहीं एंट्री है वो तो फोटो बहुत पहले का कभी का नहीं है, आज है दिखा रहे दिखाई दे रहे हैं।
नौ लोग हैं। फोटो दिखा। चलिए अब आगे चल करके कल साहित्याचार्य चलोगे, तो चलिए कल इसको समाप्त करते हैं आगे चल करके, है ना। आज अनिलानंद आज नहीं आए ना? नहीं आए। चलिए निर्धारण कर लेते हैं, नहीं तो सब बवाल छोड़ करके जो भी पढ़ने वाले हों 7-8 लोग, तो अपना कोई जो भी पढ़ाना होगा तो अपना यूट्यूब हो, क्या है, गूगल मीट है, गूगल मीट से पढ़ाएंगे। मीट जी सही रहेगा जी, हाँ उसी से अपना पढ़ाएंगे। वो थोड़ा चित्र वो उससे तो हम पढ़ा सकते हैं। आज भी सीधी पढ़ेगी।